आज मेरा पप्पी सिलीगुड़ी जाने वाला है बाई बस, तो अभी उसकी तैयारी हो रही है। जब भी पपी ट्रैवल करता हो, लंबा डिस्टेंस आप ट्रैवल कराते हो बाई बस, बाई कार या बाई ट्रेन, तो उसको पहले ध्यान रखना, उसको खाना ज़्यादा नहीं खिलाना है, पानी ज़्यादा नहीं पिलाना है। वो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कैसे कैसे क्या करना है, कुछ अभी टाइम की प्रॉब्लम की वजह से ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा इसको, इस वीडियो को। तो एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हमेशा ख्याल रखना आप लोग, जब भी ट्रैवल कराते हो लॉन्ग डिस्टेंस, तो एक बंदा उसके पपी के साथ ज़रूर भेजो उसकी देख रेख के लिए। अब बीच में हो सके आपका पप्पी ट्रैवल के दौरान ब्लोटिंग करे या टॉयलेट करके उसी में बैठा रहे, ठंड भी लग सकती है, तो इसलिए एक बंदा ज़रूर भेजो। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि बस पप्पी को बास्केट में डाल के लगा देते हैं फिर छोड़ देते हैं। अरे 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लग जाएंगे, क्या दिक्कत है, लेकिन पप्पी तो सेफ रहेगा, है कि नहीं, आपका बच्चा ही है। ये देखिए पप्पी इतना दूर से आया है फिर भी इतना एक्टिव है, इतना एक्टिव है, इतना हेल्दी है। थैंक यू सो मच, आई वुड लाइक टू से राज भैया थैंक्स अ लॉट। अभी मैं इसको सिक्किम लेके जा रहा हूँ।